माननीय उपसभापति जी, लाभ के पद के मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले इस बिल पर अपने विचार करने के लिए मुझे आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीमान, जब यह विधेयक पहली बार सदन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा 2010 में प्रस्तुत किया गया था, तब भी मैंने उस विधेयक का विरोध किया था और आज जब यह संशोधित रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, इस रूप में भी मैं अपने दल की ओर से इसका विरोध करता हूँ। महोदय, उस समय हमने इस सदन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी थी कि आज देश में समाज के शुभ चिंतकों और आम जनता में सरकारों के बारे में सोच अच्छी नहीं है। इस देश की जनता के मन में आज की सरकारों पर विश्वास नहीं रह गया है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो शायद इस संसद की भी जो विश्वसनीयता बची है वह खत्म हो जाएगी। श्रीमान, मुझे ऐसा लगता है कि जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई थी, राष्ट्रपति जी के मन में भी वही आशंका होगी और वही विचार आया होगा, जिसके कारण सरकार को आज यह विधेयक संशोधनों के साथ पुनः इस सदन में लाना पड़ा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो उन्होंने उस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूँ कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास वापस भेजा जाता है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं। इसलिए जो तर्क यहाँ पर मंत्री जी ने दिए वह हमारी समझ में नहीं आते और उसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि आप बड़े आदमियों को बचाने के लिए ही यह घोर पाप कर रहे हैं और इस सदन से करवा रहे हैं। उपसभापति महोदय, कानून मंत्री जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं उनकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा था। उन्होंने इस सदन में कई तर्क दिए। हमारे मंत्री जी कानून के विद्वान हैं। महोदय, हिंदुस्तान की सभी किसानों की समस्याएं करीब करीब एक जैसी ही हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश की योजनाओं में, हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरंतर घट रहा है। हमारे देश की जो पंचवर्षीय योजना बनी उसमें खेती का योगदान 56% था और वर्ष 2012 में यह योगदान घटकर 24% तक आ गया। अब अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आ जाएं, यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर 16-20% तक रह गया है। अभी भारत सरकार के योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है। यदि उसका ठीक अध्ययन किया जाए
उन्होंने इच्छा तो यह व्यक्त की है कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की 8% के हिसाब से होनी चाहिए। जब तरक्की 8% के हिसाब से हो तो कृषि का योगदान कम से कम 4% के हिसाब से होना चाहिए। उसी समीक्षा में हम यह पढ़ते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में खेती का योगदान 3% के हिसाब से आर्थिक तरक्की में गिना गया था, वह घटकर केवल 2% पर रह गया है। कुछ ऐसे वर्ष भी निकले जब देश की कृषि की प्रगति विपरीत दिशा की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर करती है, जिस देश की आबादी का 60% आदमी कृषि पर निर्भर है, 11 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर रहते हैं, उस देश की पैदावार घटती चली गई। यह बात मेरी समझ से परे है। देश में पर्याप्त वर्षों तक प्रकृति ने हमारा साथ दिया है, फिर क्या कारण है कि हमारी कृषि अपेक्षित वृद्धि होने के बजाय लगातार घट रही है और किसान बर्बाद हो रहा है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, उसकी हालत बेकार हो रही है और व्यापारी और अधिकारी संपन्न हो रहे हैं। श्रीमान, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की आबादी 3,08,00,000,000 की संख्या पार कर गई है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए 2-3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही दलहन और तिलहन की उपज हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रही है। सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं। गरीब आदमी के लिए वह प्रोटीन का काम करती है, लेकिन आज लोगों को वह जिस दाम पर मिल रहा है उसे खरीदना गरीब आदमी के लिए असमर्थ की बात है। दालें आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए खाद्य तेल दूसरी आवश्यकता है, उसे भी आज हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है और ऊंचे दामों पर वह उपलब्ध हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि दलहन और तिलहन की पैदावार की ओर वे लोग अग्रसर हो सकें और हमारे देश में सफाई देने के लिए यहाँ खड़े हो जाएं। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, हमारी जो निर्धारित संसदीय कार्यप्रणाली है, सारा देश उस संसदीय परंपरा का अनुकरण करता है, लेकिन हमारे मंत्री जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें कर्नाटक और झारखंड का अनुकरण करना चाहिए। सर्वोच्च संसद का अनुकरण राज्यों की विधानसभाओं को करना चाहिए या संसद को राज्यों की विधानसभाओं का अनुकरण करना चाहिए? अगर वे सही हैं तो हम भी अपनी जगह सही हैं, और यदि वे गलत हैं और यदि आप उनका अनुकरण करते हैं तो वह भी गलत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि आज आपने जो इस सदन में कहा, आप सदन की कार्यवाही के उस वक्तव्य को पढ़ेंगे तो आप उसे पढ़कर स्वयं भी हंसेंगे।
मंत्री जी, यह मुद्दा हमारी संसदीय परंपरा के गंभीर उल्लंघन का है, विवाद का नहीं है। यदि राज्य विधानमंडल गलती करते हैं तो हमें उसे दूर करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है।